हज़रत तुलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने इसके पहले इक्तिसाब नंबर 3 जिसमें हमने फ़िरका परस्ती के बारे में मालूमात हासिल की कि किस तरह मजहबी अंधापन हमारे बीच फैला हुआ है, तो प्यारे बच्चों आइए अब उसी का अगला मरहला यानी इक्तिसाब नंबर 4 जिस पर आज हम तफसीली जायज़ा लेंगे और मालूमात हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इलाकाइयत, इलाकाइयत क्या है? इलाकाइयत यानी अपने इलाके के तय बेजा तफाकिर का एहसास, यानी मसलन बंगाली या मराठी होने के तौर पर अपनी पहचान बताना ये अलग बात है, लेकिन मैं बंगाली, मैं मराठी और दिगर इलाके के लोगों से आला हूँ, ये जज्बा अपने इलाकायत के लिए बेजा तफाकिर का इजहार है। अपने इलाके से मोहब्बत करना ये फितरी अम्र है, बेशक अपने इलाके से मोहब्बत करना ये एक फितरी अम्र है, लेकिन अपने इलाके से मोहब्बत करना तो फितरी अम्र है, लेकिन इसे मनफी एहसास में तब्दील नहीं किया जा सकता। मुल्क की तरक्की में अदम तवाज़ुन की वजह से इलाकाई तफाकिर परवान चढ़ता है। आज़ादी के बाद भी माशी तरक्की के हुसूल के लिहाज से आगाज़ में कुछ रियासतों में ज़्यादा तरक्की हुई और कुछ रियासतें इक्तिसाबी तौर पर पसमानदा रही, मसलन महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु जैसी रियासतें इक्तिसाबी तौर पर काफ़ी तरक्की याफ्ता हो गई, लेकिन एशिया, बिहार और आसाम जैसी रियासतें इक्तिसाबी तौर पर सनअती एतबार से गैर तरक्की याफ्ता रह गई। माशी या इक्तिसादी तरक्की और इस्लाहात मुल्क की तरक्की बुनियाद है। इलाकाइयत की लपेट में तरक्की याफ्ता और गैर तरक्की याफ्ता दोनों रियासतें आ सकती है। तरक्की याफ्ता रियासतों के जहन में अपने तरक्की याफ्ता होने की वजह से हमारे इलाके की तारीख और सकाफत ही आला है, यह एहसास तरक्की पैदा करता है, यानी यह एहसास हमारे दिमाग में पैदा होता है और जिसके लिए वो मकामी रवायत और सकाफत पर फ़ख्र करके अपनी इनफरादियत साबित करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से इलाकाइयत को मजबूती हासिल होती है और तरक्की कौमी यकजहती को ज़रूर पहुंचता है। मुल्क की तरक्की में अदम तवाज़ुन को कम करने के लिए बेजा इलाकाइयत के मसले का हल निकाला जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम।